यूपी के सीतापुर में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने आई प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री ने अचानक आपा खो दिया, जिसके बाद वो मीडिया कर्मियों पर भड़ास निकालने लगी। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम होने के बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। आप भी सुनिए और देखिए रीता बहुगुणा जोशी ने कुछ इस अंदाज में पत्रकारों से की बदसुलू की। अरे भाई आप लोगों को किस अंदर बुलाया है, ये क्या कर रहे हैं आप? किसे आप अंदर आने दिया? दिमाग खराब है क्या आप सबका? दिमाग खराब है क्या आप सबका? अरे भाई आप लोगों को किस अंदर बुलाया है, ये क्या कर रहे हैं आप? किसे आप अंदर आने दिया? दिमाग खराब है क्या आप सबका? मैं महेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष पत्रकार संघ सीतापुर, आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आज जिला कार्य योजना की बैठक थी, इसमें प्रभारी मंत्री के हैसियत से रीता बहुगुणा जोशी की शामिल हुई थी। वो मीटिंग ले रही थी इसी और इसी दौरान हमारे पत्रकार भाई भी उस मीटिंग में गए हुए थे। जिला सूचना कार्यालय द्वारा पत्रकारों को मेल के द्वारा इस मीटिंग की सूचना दी गई थी, जिसके कारण सभी गए थे। वहाँ पर मीटिंग में विधायकों द्वारा जो ODF शौचालय की सूची है उस पर एतराज किया जा रहा था, उसमें घोटाले की कुछ बात की जा रही थी। उसी समय वहां मौजूद पत्रकारों पर रीता बहुगुणा जी बरस पड़ी। जो वीडियो सामने आया उसके मुताबिक उन्होंने पत्रकारों को बहुत अपमानजनक तरीके से बाहर जाने को कहा, जो कि मेरी निगाह में उचित नहीं है। हम सभी ने यहाँ आज बैठक की है पत्रकारों की, और सोमवार को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जिसमें इस घटना के प्रति उनको अवगत करा करके और पत्रकारों का विरोध सामने लाया जाएगा।